लगातार हो रही बारिश के चलते अखिलेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे क्षतिग्रस्त हो गया है। फाइटर जेट दौड़ाकर इस हाईवे का लोहा मनवाने वाली अखिलेश सरकार के दावों की हवा तब निकली जब एक्सप्रेसवे में दरार आने से 50 फीट गहरे गड्ढे में एक कार जा गिरी। इस हादसे में 5 लोग घायल हुए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ बड़ा हादसा। 50 फीट गहरे गड्ढे में गिरी लग्जरी कार। कार में सवार थे 5 लोग। इसी एक्सप्रेसवे पर उतरवाए गए थे अखिलेश और योगी राज में फाइटर प्लेन। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, वो एक्सप्रेसवे जिसके सहारे चीन की छाती पर मूंग दलने और पाकिस्तान को धूल चटाने के ख्वाब देखे जा रहे थे। याद है ना ये एक्सप्रेसवे? ये वही एक्सप्रेसवे है जिस पर अखिलेश भैया ने जब फाइटर प्लेन उतरवाए थे तो लोगों की सांसें थम गई थी। विरोधियों को हार्ट अटैक आते आते बचा था। इसी एक्सप्रेसवे के दम पर उनके पिताजी दिल्ली में पीएम की कुर्सी पर आसीन होने का ख्वाब भी कभी कभी देख लिया करते थे। आपको पता है मुलायम सिंह यादव पीएम क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि उनके लायक बेटे ने उनके पीएम बनने की जमीन ही सही से तैयार नहीं की थी। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के पीएम बनने की जमीन ही ठीक से तैयार नहीं की थी। जो जमीन अखिलेश यादव ने तैयार की थी उसमें अब गड्ढा हो गया है, वो जमीन अब धंस चुकी है। इसमें बारिश आने की वजह से उन्नाव के पास थाना डोकी की पुलिया के नजदीक 50 फीट गहरा गड्ढा हुआ है। 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री की नगरिया में 50 फीट का गड्ढा होना कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन लोग सुबह उठे तो इस गड्ढे को देखकर हैरान जरूर थे। बेचारे जिस एक्सप्रेसवे को सुबह सही सलामत छोड़कर गए थे वो सुबह मुंह फाड़े पड़ा था। लोग तो ये सोचकर भी हैरान थे कि जिस एक्सप्रेसवे पर आसमान से फाइटर प्लेन उतरते थे उसी एक्सप्रेसवे पर योगी जी ने क्या कोई नया कारनामा कर दिया है? आसमान से फाइटर प्लेन उतरवाने के बाद क्या योगी जी ने पाताल में भी कोई मिसाइल छोड़ दी है? हैरानी तो उन्हें ये सुनकर भी हुई कि इस 50 फीट गहरे गड्ढे में एक लग्जरी कार गिर पड़ी है। इस कार में 5 लोग सवार थे और गनीमत ये रही कि सबकी जान बच गई है। जो गाड़ी हादसे का शिकार हुई है उसमें कन्नौज के रहने वाले रचित और उनके परिवार के 4 सदस्य थे। रचित नई गाड़ी खरीद कर लाए थे। सर्विस रोड पर चढ़ने ही वाले थे कि उन्हें सड़क पर एक दरार दिखाई दी। इससे पहले कि वो ब्रेक लगा पाते तब तक वो गाड़ी समेत गड्ढे में चले गए। अरे हाँ, गड्ढे से याद आया, योगी जी ने भी वादा किया था ना सूबे को गड्ढा मुक्त करने का, वो पूरा हो गया या बाकी है? चलिए उस पर बाद में बात कर लेंगे। खैर, जो हुआ सो हुआ। एक्सप्रेसवे अखिलेश सरकार में बना था, उसने सड़क ही ठीक नहीं बनाई थी। अब बताओ इसमें बेचारी योगी सरकार करे तो क्या करे? योगी सरकार तो अब इस गड्ढे में गिरी हुई कार को बाहर निकाल सकती है। चलिए कोशिश करते हैं, निकालिए। अरे निकालिए साहब, धत तेरे की। योगी जी, ये क्या, अखिलेश भैया की सरकार ने तो रोड ही खराब बनाई थी। आपकी सरकार तो ऐसी मजबूत रस्सी भी नहीं बनवा पाई जो किसी मुसीबत में फंसे के काम आ सके। 2019 नजदीक है, चुनाव आने वाले हैं, मजबूत रस्सी बनवाइए, क्योंकि जनता को खींचकर मोदी जी के पाले में जो खड़ा करना है। और ध्यान रखिएगा, गाड़ी तो कमजोर हो सकती है लेकिन जनता बड़ी मजबूत है। इसके गले में ना गाड़ी वाली रस्सी चलेगी और ना गाय वाली। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।